इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर रौब झाड़ रहा था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी वन विभाग में पदस्थ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से हूटर सहित अन्य सामग्री जब्त कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक क्राइम ब्रांच पुलिस कर्मी द्वारा लगातार लोगों पर रौब झाड़ते हुए उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। जब इसकी शिकायत आला अधिकारियों से हुई तो मामले में जांच करने पर पता चला कि वन विभाग में कर्मचारी खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताता था। आरोपी ने अपने स्कॉर्पियो गाड़ी पर पुलिस का हूटर और स्पीकर भी मौजूद मिला है। व्हाट्सएप पर भी क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी के नाम से सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वन कर्मी नवीन सोलंकी को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। हाँ, कल रात में एक पुलिस ने प्रकरण कायम किया है और वन रक्षक भी है वो, और उसने अपने गाड़ी पे हूटर पुलिस लिखवा रखा था, अपने मोबाइल में पुलिस की आईडी वगैरह बना रखी थी, और वो वन रक्षक है, उसका नाम है नोनी सिंह सोलंकी। तो उसके खिलाफ पुलिस ने धारा 419 का प्रकरण कायम करके कार्रवाई की गई है और उसके वाहन वगैरह भी जब्त किया गया। आरोपी इंदौर के ही रहने वाला है, वन विभाग में वन रक्षक के पद पर तैनात है। अभी तक ऐसी कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया है, आप लोग के माध्यम से हो सकता है, जनता को जानकारी मिले तो कहीं रिपोर्ट करने भी आ सकते हैं। कारण क्या रहा जो इस तरह से यह होता था या इस तरह से उपयोग करता था? दुरुपयोग मतलब ये कि प्रतिरूपण करता था, है वन रक्षक वर्दी का है कि पुलिस लिखवाना, गाड़ी में लिखवाना ताकि अवैध रूप से लाभ लिया जा सके, लोगों को दबाव में लिया जा सके कि हम पुलिस अधिकारी हैं। उसने अपना नंबर क्राइम ब्रांच के नाम से सेव कर रखा था। ऐसे कई लोग हैं सर जो इस तरीके का दुरुपयोग करते हैं, अधिकारियों पर हो या फिर व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर हो या अधिकारियों के नंबर हो, इस तरह से सेव करके लोगों को एक प्रभाव व्यक्त करने के लिए, पुलिस का भय दिखाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। वो करते हैं और समय समय जब सूचनाएं मिलती हैं तो तत्काल कार्रवाई भी की जाती है और सूचनाएं और हमारे संज्ञान में भी आता है, देखते हैं तो हम खुद अपनी तरफ से पहल करके कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, आपके माध्यम से संदेश ये देना चाहता हूँ कि यदि आपके मोबाइल पर इस तरह की कोई सूचना आता है या लगता है कि क्राइम ब्रांच और नहीं है, तो इसमें लोग संबंधित थाने में निकट के पुलिस स्टेशन पे 100 डायल पे सूचना दे, तो उस पर ताकि कार्रवाई करके लोगों को। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।